Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अरे घर बदले फौरन। लॉन में नहीं हसीना जी, घर से बाहर सांप। कोई सांप वाला है? नहीं नहीं बाहर सांप। क्या? तो फिर जल्दी से दरवाजा बंद कर दे और दरवाजे के नीचे थोड़ी सी पैकिंग लगा दे और पर्दा बंद कर दे। अरे हसीना जी मेरी बात तो सुने, मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? अरे किससे नहीं, सांप से। सांप आपको तंग कर रहा है? तंग नहीं कर रहा, मेरे हाथों पे चढ़ गया था। आप मेरी बात नहीं सुनेंगी ना? तो करे ना बात, आप तो सांप सांप कर रहे हैं। इसलिए कि सांप की बात है। अगर सांप की बात है तो सांप से जाकर करे ना, मुझे तो उनकी जबान नहीं आती। तो मैंने क्या उसका लैंग्वेज कोर्स किया हुआ? आज सांप से मेरा सामना हो गया ना। आपको मतलब है कि सलाम दुआ? हाँ हाँ, हाथ मिलाया सांप ने। क्या बात कर रही है, आज मेरे सामने दो सांप आ गए हैं। हाँ तो किसी काम से निकले होंगे घर से? अरे यहाँ शॉपिंग करने निकले थे हसीना जी, सांप ऐसे ही घूमते हैं। तो उन्हें काम काज कोई भी नहीं? अरे मुझे क्या पता, असली बात सुन ही नहीं रही ना। सांपों की कोई असली बात भी होती है? मेरी असली बात हसीना जी। आपकी असली बात में बात कोई भी नहीं होती हसीना जी। आधे से ज्यादा सीन गुजर गया, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो नहीं सुन रही आप। बता तो रहे हैं कि आपको रस्ते में दो सांप मिले। ये तो शुरुआत है। क्यों, उसके बाद दो और मिले? हसीना जी बहुत संजीदा मसला है, मेरा फिक्र से सीना धक धक कर रहा है। सांप देखकर सबका करता है, ये कोई अनोखी बात नहीं है। मुई अनोखी बात यह है कि मैंने उन सांपों में से एक सांप को मार दिया है। वाकई? जी चाहता आपको मुंह छूऊंगा। सांप मारने पर इतना बड़ा इनाम मिलता है? अरे ये बहुत बड़ी बात होती है मुईन, कोई दिलेरी सांप मार सकता है। लेकिन मेरी दिलेरी तो लोगों ने हवा कर दी ना। क्यों? वहाँ जो लोग थे उनमें से एक सांपों के बारे में बहुत जानता था। उन दोनों से उसकी बातचीत रही होगी ना? उन दोनों के नहीं, सांपों के बारे में उसकी बड़ी मालूमात थी। फिर उसने बताया कि जिस सांप को मैंने मारा ना वो नर है। यानी आपने शौहर मार दिया? हाँ। और मादा सांप बेवा हो गई? हाँ, उसका कहना है कि मादा सांप बदला लेने जरूर आएगी और मारने वाले को मार देगी। ये क्या कह रहे हैं मुईन, ऐसा कभी होता है? हाँ ऐसे ही होता है, हर मादा अपने नर से प्यार करती है और मादा मुझे नहीं छोड़ेगी हसीना जी। खुदा के लिए मुईन बस करें। हसीना जी मुझे बचाएं। हसीना जी सांप आ गया, वो डंडा का है हमारा खानदानी डंडा। ये लो मुईन। मोइन भाई हाथ पर डंडा, खैरियत तो है? कहीं हसीना जी से लड़ाई तो नहीं हो रही? जा, मैं हसीना जी पे डंडा चलाऊंगा, इतना बदतमीज समझावा मुझे? नहीं नहीं, आप तो बीवी से मोहब्बत करने वाले शौहर हैं, लेकिन ये डंडा क्यों उठाया हुआ है? कोई वजह तस्वीर नहीं? वो मैं यूं ही। कोई डंडा लेके घर में फिरता है? कोई भी वजह तुझे क्यों बताऊं मैं? हाँ तो ना बताए। वो असल में मैं ये बताने आया था कि घर के आसपास मैंने सांप देखा है। बताओ। बस इधर कहीं था, शायद साथ घर चला गया। किधर किधर गया, ठीक ठीक बता मुझे। अब मैंने क्या सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, मुझे क्या पता। वैसे आप क्यों परेशान हो रहे हैं? सांप से कौन परेशान नहीं होता भाई, लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं। खैर तो है ना मोइन भाई? हाँ हाँ खैर है। क्या मसला बता दें, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं मोइन भाई। वैसे भी परेशानी शेयर करने से जा कम हो जाती। वो मैंने सांप के जोड़े में से ना नर को मार दिया। अरे ये क्या कर दिया मोइन भाई, ये तो गजब कर दिया आपने। अब क्या होगा, अब नहीं बचेगा। कौन मैं? नहीं वो दूसरा सांप, मादा सांप। हाँ वाइफ ऑफ नाग। वो तो खुद ही मर जाएगी ना। नहीं नहीं नहीं, अब वो लाजमी आपके पीछे आएगी। नहीं नहीं यार। अरे ये हो ही नहीं सकता कि आपके पीछे ना आए, चाहे जितनी भी ट्रैफिक जाम क्यों ना हो। अरे उसने बाय रोड थोड़ी आना है। और क्या समंदर का रूट लेगी? अरे उसे तो थोड़ी सी जगह चाहिए बस, डसने के लिए, चलने के लिए। तो ये चलती है? नहीं तो और क्या, रक्षा से आती। मैंने तो सुना था कि वो रिंगती है। अरे भाई उसका चलना तो यही है ना, तो वो मेरे पीछे जरूर आएगी। हाँ और आपके हाथ में पहले से ही डंडा है, बस खैर नहीं मेरी नहीं उसकी, वही मारी जाएगी। लेकिन अगर उससे पहले डस लिया तो फिर मेरी किस्मत? क्या? नहीं नहीं मेरा मतलब आपकी किस्मत। तो ये बता के एहतियात क्या किया जाए? मादा सांप के लिए? मेरे लिए? हैजे से बचने के लिए? सांप से बचने की? बस ध्यान रखिएगा सांप पर। नहीं भाई डंडे पर। कौन से? अरे भाई हाथ वाले। वैसे अगर वो आपके पीछे आए ना तो जो चीज भी मिले उठा के मारिएगा। ठीक है, वैसे मुझे डर लग रहा है। डंडे से? सांप से। अरे मोइन भाई डरे नहीं, हिम्मत रखे। शाबाश, चलिए चलिए निकले निकले निकले। हाँ कोई बस मसूल हिम्मत से, शाबाश शाबाश। अरे मोइन भाई तो खौफ से ही मर जाएंगे। उसके बाद मैं आऊंगा और हसीना जी।
क्यों घर में क्या 6 बीमारियां फैल गई जिनका हिफाजती टीका ये छड़ी है? ये छड़ी नहीं, ये तो डंडा है। इतने वजन से डंडा कहना जरूरी है? सांप को मुतासिर करने के लिए कह रहा हूँ हसीना जी। तो सांप इधर है? और सांपों के भी कान होते हैं हसीना जी। मुईन, सांप ऐसा जानवर है जो सुन नहीं सकता। ये क्या कर रहे हैं आप? हिफाजती इकदाम। क्यों घर में क्या 6 बीमारियां फैल गई जिनका हिफाजती टीका ये छड़ी है? ये छड़ी नहीं, ये तो डंडा है। इतने वजन से डंडा कहना जरूरी है? सांप को मुतासिर करने के लिए कह रहा हूँ हसीना जी। तो सांप इधर है? और सांपों के भी कान होते हैं हसीना जी। मुईन, सांप ऐसा जानवर है जो सुन नहीं सकता। किसी की भी? उसके कान नहीं होते मुईन। तो फिर वो बीन कैसे सुनता है हसीना जी? वो बीन सुनता नहीं, देखता है। आपको सांपों के मुतालिक इतनी मालूमात है लेकिन आप ये नहीं मान रही कि वो मादा सांप पीछा कर सकती है? मुईन, इन फरसूदा बातों पे कौन यकीन करेगा? जिसका शौर मरेगा। किसका शौर मरेगा? फिलहाल तो आपका ही ना, क्योंकि वो मादा सांप मेरे पीछे पड़ी हुई है। खुदा का खौफ करे मुईन, आप मेरे सामने मरने की बातें कर रहे हैं। छोड़े ये सब, मैं आपको एक बात बताने के लिए आई थी। मेरी सहेली आ रही है। कपड़े बदल लूं? मुईन, मेरा मतलब कोई बेहतर कपड़े पहन लूं जिससे उस पर आपका तासुर अच्छा पड़ेगा। मुईन, वो कुछ दिन यहीं पर रहेगी। क्यों? वो सांपों पे एक डॉक्यूमेंट्री बना रही है। क्या सांपों पर? तो क्या घर में सांप होंगे? घर में सांप नहीं लेकर आएगी, बाहर जो सांप है उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएगी। बाहर का इंग्लैंड? बाहर से मुराद मुल्क से बाहर नहीं, घर से बाहर। यानी रोड पर? रोड पे क्या सांप फिर रहे हैं? जाहिर सी बात है, वीराने या जंगल में ही जाएगी ना। और वहीं पे मादा सांप भी होगी और वो उसके पीछे पीछे घर आ जाएगी। वो कोई सांपों को विजिटिंग कार्ड देगी कि मैं यहाँ पर रह रही हूँ। मुईन, आप बेतुकी बातें बंद करें, आप उसके सामने भी मुझे शर्मिंदा करवाएंगे। मैं तो पछता रहा हूँ इस बात पे कि मैंने सांप को क्यों मारा। वाकई आपने सांप को मारा? वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे काट लेता। तो फिर डर किस बात है? आपने अपनी दिफा में मारा है। तो आपका क्या ख्याल है जब वो मादा सांप आए तो मैं उसे यही बात समझाऊं? कहीं से कोई मादा सांप नहीं आ रही है। आप चले मेरे साथ घर की सफाई में मदद करवाएं। क्या इस गंदे घर में उसे लेकर आएंगे? तो क्या वो घर देखने आ रही है? तो वो घर में ही रही है ना मुईन, तो क्या घर को साफ नहीं होना चाहिए? अच्छा, इस बहाने वो घर में ही देख लेगी, कहीं सांप तो नहीं छुपा। मेरा मतलब है छुपी। घर से ज्यादा आपकी तबीयत साफ होने वाली है। तो कर दे, कौन सी नई बात है? चलिए आइए किचन से शुरू करते हैं। सफाई करनी, सांप मारने, पता नहीं आपके सहन से कब जाएगी ये सांप मारने की कहानी। सांपों पे डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल कैसे आ गया? अरे सांपों के मुतालिक मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। नर और मादा दोनों के मुतालिक? सांप तो सांप होते हैं। इसमें नर मादा नहीं होते? ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? इनके पास 5-7 रिश्ते आए नर सांपों के। कितने जॉली हैं आप। आप हंस क्यों नहीं रहे? नहीं, वो मैं तो बस यूं ही। आप मुझे कुछ सांपों के बारे में बताएं। स्नेक्स? मुईन, वो अभी आई है जी। पूछिए। वो मादा सांप फीमेल होती है, लेकिन फिर कभी हम इस पर बात करेंगे। जी, जिंदगी और मौत का मसला है ना। मादा सांप की? नहीं नहीं, मेरी। आपकी? ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा तजस्सुस है इन्हें सांपों के मुतालिक जानने का। रियली? फिर तो आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? जंगल में। जंगल में? नहीं, अकेली औरत का जंगल में जाना अच्छी बात नहीं है ना। अरे अकेले कहाँ जाएंगे आप, पूरा क्रू होगा मेरे साथ। वहाँ क्या होगा? वहाँ सांप होंगे ढेर सारे। मैं सांपों के बीच? अरे भाई, सांपों के मुतालिक तो सांपों के बीच में ही रहकर सीखा जा सकता है। मैं नहीं जा सकता। क्यों? वहाँ मादा सांप भी होंगी ना। तो आपने क्या उससे पर्दा करना है? वो मेरे आजकल ताल्लुकात कशीदे हैं उनसे। क्यों, क्या हुआ? कोई नाचाकी चल रही है या पैसे लेकर भाग गए आप सांप के? मुईन, मैंने आपको क्या समझाया? क्यों डांट रही हो बार बार यार तुम? क्यूट सी बातें तो कर रहे हैं वो। नहीं, सांपों से थोड़ा डरते भी है ना। अरे सांपों से तो इंसान की दोस्ती होनी चाहिए। दोस्ती? अरे सांप बहुत प्यारी मखलूक है। ये क्या कह रही है, वो तो जहरीले होते हैं। आमतौर पर यही समझा जाता है, इसीलिए शायद लोग इन्हें मार देते हैं। ओहो, इससे बड़ी जहालत और बेवकूफी कोई नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए, ना मैं जाहिल हूँ ना मैं बेवकूफ। अरे मैं इनकी बात थोड़ी कर रही हूँ। मेरा बस चले ना तो मैं उन लोगों को गोली से उड़ा दूं जो सांपों को मारते। लेकिन हम तो सांपों से बहुत प्यार करते हैं जी। कुछ तो हमारे घर अक्सर आते जाते रहते हैं। क्या वाकई? हाँ, एक तो बस हम उसका इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर सांपों से आपके इतने ही करीबी ताल्लुकात हैं तो आप दुनिया के सारे सांपों को यही क्यों नहीं बुला लेते अपने घर में? नहीं नहीं, वो जंगल में ठीक है। मुईन, इन्हें कमरे में ले जाएं और फिर वापस आ जाएं। ये वही कैमरा जिसमें कहते हैं कि कैमरे की नजर आपको देख रही है। ये तो डिजिटल कैमरा है। अच्छा, इसकी नजर किसी को नहीं देखती है। वैसे बहुत मजेदार बातें करते हैं आप, आइए मेरे साथ। आइए इधर। मुईन, मुईन, मुईन,
आखिर आपको बहस करने की जरूरत क्या थी? कौन सी बहस हसीना जी, कौन सी बहस? सांपों की। अरे वो बहस थोड़ी थी, वो तो मेरा खौफ और तजस्सुस है। किस बात का खौफ है मुइन आपको? बात का नहीं, मौत का है। फरसूदा बातों पे ध्यान देने से बेहतर है मुइन की हकीकी दुनिया में रहें आप। कौन सी हकीकी दुनिया? जंगल की दुनिया। जंगल में कौन सी दुनिया होती है हसीना जी? जानवरों की, और वहाँ पर सांप भी होते हैं। मैं उस दुनिया में क्यों रहूं? ताकि सुनी सुनाई बातों से जान छूटे आपकी। अरे हसीना जी आपको क्या पता, मेरे तो ख्वाब में भी ना मादा सांप आती है। मादा जो भी हो वो आपके ख्वाब में जरूर आएगी। नहीं नहीं हसीना जी, हर बार डस के जाती है। कहाँ दिखाइए? ख्वाब में। ख्वाबों में दिखाएंगे? जाहिर है ख्वाब में डसती है तो ख्वाब में ही दिखाऊंगा ना। कहाँ फंस गई मैं? फंस तो मैं गया हूँ हसीना जी सांप को मार के। मुइन दुनिया भर में लोग सांपों को मारते हैं, आपने कोई अनोखा काम थोड़ी किया है। मैंने कपल में से एक मारा है। आपको कैसे पता कि वो कपल था? दोनों इकट्ठे थे ना। यहाँ जो मर्द और औरत इकट्ठे घूम रहे होते हैं, जरूरी है कि वो कपल ही हो? सांपों की और बात है हसीना जी। क्या और बात है? सांपों में बहन भाई कजन नहीं होते, सीधे सीधे मियाँ बीवी होते हैं बस। आप मुझे शर्मिंदा करवाने के लिए ना गुफ्तगू बंद कीजिए और मेरी बात गौर से सुने जी। मेरी एक अपनी सहेली से बात हो गई है। एक बात? आप तो सारी बातें करती रही। मोइन देखिए मेरी बात गौर से सुने, आज उसने सिर्फ रिक्वेस्ट किए कि उसकी डॉक्यूमेंट्री में हम उसकी मदद करें। मुझे क्या तजुर्बा डॉक्यूमेंट्री का, मैं कोई कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर थोड़ी हूँ। उसे जो भी मदद चाहिए आप कर दीजिए ना। पर कहाँ? जंगल में। हैं हसीना जी ये कैसे कह दिया आपने? नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जा रहा जंगल में सांपों के बीच, वहाँ तो मादा सांप भी होगी। उस दिन तो आप कह रहे थे कि वो घर तक पीछा करती है। अच्छा ना वो आएगी तो आप घर में नहीं होंगे, आप जंगल में होंगे, आप वो घर आ जाएगी। अगर उसने किसी और सांप को मेरी सुपारी पकड़ा दी तो? इन सांपों में ना टपोरीपन नहीं होता, आप उसके साथ जाइए बस। मुझे लगता है कि आप मुझसे उकता गई है ना। मैं आपकी इन फजूल बातों से तंग आ गई हूँ, अब तैयार हूँ आपको उसके साथ जाना। अगर मुझे मादा सांप ने डसा ना तो उसकी जिम्मेदार मैं होंगी। तो आपने तय कर लिया कि मेरी सांपों के हाथों मतलब दांतों लिखी है? बस मैं बस, अब और बहानेबाजी नहीं चलेगी। चले मिलते चले। हसीना जी साँप 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 हसीना जी हसीना जी हसीना जी हसीना जी हसीना जी क्या हो गया? साँप साँप कहाँ है साँप? कह रहे हो मैं कैमरा लेके आया। नहीं कैमरे को छोड़िए, मेरे पाँव देखिए। ओए हेलो, पाँव की डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बनानी है मुझे। सांप कहाँ है? ये तो पाँव है। अरे यही तो सांप ने डसा है। कहाँ? ये देखिए अब पहले बचूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हसीना जी वो घर पर नहीं है। तो सांप डसे से पहले क्यों नहीं बताया जी? हसीना जी को फोन कीजिए, मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं। ओहो मुझे देखने तो दो, कुछ नहीं है। क्या बात कर रही है, मेरा दिल डूब रहा है। ये आपका वहम है, ये आप कैसे कह सकती है? क्योंकि मेरा तजुर्बा है। पाँव पे डसने का? सांप का डंग पहचानने। अच्छी तरह देखे, ऐसा ना हो बाद में लाश भी ना पहचानी जाए। ऐसा कुछ नहीं है। लाश ना पहचानने वाला मेरा मतलब है सांप के डसने का। सांप ने मुझे डसा है आपको? किसी को भी नहीं। हसीना जी को बुलाइए, आप नहीं समझेंगी। सांप के डसने का मुझे बहुत तजुर्बा है। डसने का? सांप के दांत पहचानने का। आप क्या सांपों की डेंटिस्ट है? जल्दी देखिए मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कुछ नहीं हुआ आपको? सच कह रही हैं आप? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, चलिए आइए मेरे। आइए चलिए। हसीना जी हसीना जी हसीना जी, आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई है? हसीना जी मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। अपना पाँव उसके आगे फैला दिया? हाथ तो नहीं फैलाया ना। और उसे कहा कि मुझसे जहर निकाले? छी 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 मुइन कितनी गंदी हरकत है ये। उसने की? करवाई तो आपने ना। मैंने तो नहीं कहा था ना, वो खुद कह रही थी कि मेरा तजुर्बा है। आप रो पीट जो रहे थे उसे कुछ तो करना था ना। वैसे सुकून आ गया उसे? मुझे? मुइन मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके अंदर भी रवायती मर्दों जैसी ना कुछ बातें हो रही हैं। कैसी बातें कर रही हैं हसीना जी? मेरी कोई एक शिकायत बताएं उसे। तो ये क्या है, मेहमान है वो हमारी मुइन? लेकिन वो सांपों का तजुर्बा रखती है, फायदा उठाने में क्या मजायका है? मैं तंग आ गई हूँ मुइन आपकी इन बातों से। डॉक्टर ने भी साफ साफ कह दिया कि आपको किसी सांप ने नहीं डसा। मुझे तो यही लगा हसीना जी, और सोचिए अगर सचमुच ऐसा ही होता तो? ऐसा कभी हुआ है कि कोई जानवर इंसान का पीछा करते करते उसके घर पे आ जाए? इंसान जानवर का पीछा करते करते उसके घर तक जा सकता है, तो जानवर क्यों नहीं? मुइन इंसान और जानवर में यही फर्क है जो मुझमें है। मैंने ये कब कहा? कहना तो यही चाह रही थी ना। आपको कैसे पता कि मैं ये कहना चाह रही हूँ? आप हर वक्त मुझे डांटती क्यों रहती हैं? आप बातें ऐसी करते हैं। हसीना जी मेरा दिल गवाही देता है। क्या? कि वो मादा सांप। मुइन खुदा के लिए आप कहीं चले जाइए। कहाँ चला जाऊँ जहाँ मादा सांप ना पहुँच सके? तो फिर मैं ऐसी जगह चली जाऊँगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी तारीफें कर रही थी और शुक्रिया भी। मैं शुक्रिया की क्या बात, और मेरी भी फिक्र कर रही थी कि अगर वाकई आपको सांप डस लेता तो क्या होता। बस हमने तुम्हें ऐसे ही तकलीफ दी। अरे तकलीफ किस बात की, तो फिर आप तैयार है ना पाँव आगे करने के लिए? मुइन जंगल जाने के लिए। जंगल? वो मेरा पाँव? पाँव को तो कुछ नहीं है, फिर भी वहम तो है ना। वहम करने से आपके चलने में कोई दुश्वारी नहीं होगी? ये जाएंगे आपके साथ? हमारे आने तक कफन दफन का इंतजाम करके रखिएगा। कफन दफन? मुइन आप मेरा मतलब है कि अच्छे से खाने। अब जबकि मैं आ ही गई हूँ आप लोगों के पास, तो मुझे अच्छा सा खाना खिलाएंगे आप लोग? क्यों नहीं क्यों नहीं, आए आ जाओ। इसके अलावा हसीना जी की एक सहेली आई है। कब आई थी, सांप मारने से पहले या बाद में? सांप मारने के बाद। बस फिर आप उस पे नजर रखें, हो सकता है वो मादा सांप।
क्या हो गया मुन भाई? सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वो घबराने की बात नहीं है, जब सांप आएगा मैं उससे बात कर लूंगा। अबे सांपों की कौन सी जुबान होती है? वो जो बाहर निकालते हैं। अबे तो वो बातें करने के लिए थोड़ी होती है ना। नहीं तो और क्या, उससे क्या नमक चेक करते हैं? अबे वो बातें नहीं करते, अगर करते भी है ना तो तेरी बात थोड़ी सुनेगा ना सांप। नहीं नहीं मैं समझाऊंगा, इंसान का बच्चा बन। हाँ, इंसानों के बच्चे सांप बन गए और सांप के बच्चों को इंसान बना है। वाह वाह, बड़ा फलसफा झाड़े, गहरी बातें कर रहे हैं, कहीं सांप ने तो नहीं डस लिया? क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं असल में क्या है ना, बंदे इतनी खास बातें, प्यारी प्यारी बातें मरने से थोड़ी सी देर पहले करता है। अबे तुझे बुलाया कि काम बताओ और तू मनहूस बातें लेकर बैठ गया। क्या बात बताओ? अबे यही कि मादा सांप की तलाश से कैसे बचा जा सकता है। हाँ, कुछ लेन देन करके ना मामला रफा दफा कर दें। अबे ये पुलिस केस नहीं है भाई। भाई ये कत्ल का केस तो है ना, आपने किसी का शौहर मारा है। हाँ, नर मादा के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गया, ये तो कत्ल का केस है। देखो मोइन भाई, हमने तो फिल्मों में देखा, ये मादा सांप ने तो आना ही आना है। अबे क्यों और डर आ रहा है मुझे? बस समझ लो कि ये इसका सियासी इंतकाम। ये पता उसके आने की अलामतें क्या हैं? अरे मैं कोई सांपों का माहिर हूँ, मुझे क्या पता। अबे तो केबल तो चलाता है ना। तो केबल में क्या सांपों का स्कूल है? अबे जियोग्राफिक चैनल भी तो है ना। वो तो लोगों के लिए है ना। अबे तो लोगों से पूछ के बताना, मेरी जान पर बनी हुई है यार। मोइन भाई अब तक मादा सांप को आ जाना चाहिए था वैसे। अबे तू भी यही चाहता कि वो जल्दी आए और मुझे डस ले? नहीं नहीं असल में मादा सांप जो है ना बहुत गुस्से में होती है, हानिकारक एकदम खतरनाक किस्म की, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करती। तो क्या फौरन दूसरी शादी कर लेती है? नहीं नहीं अपने साथी के कातिल तक पहुंच जाती है। नहीं यार कहीं ऐसा तो नहीं वो इधर कहीं हो और नजर ना आ रही हो? क्या मतलब? ये भी तो हो सकता है वो इंसान के रूप में हो। अबे कहीं तू ही तो नहीं है? नहीं भाई मेरा ख्याल है वो किसी औरत के रूप में होगी। औरत के? औरत के? अच्छा ये बताएं आपके घर में कोई औरत है? हसीना जी मेरे ख्याल में औरत ही हैं। अरे ख्याल नहीं, हसीना जी तो वाकई औरत है, खूबसूरत औरत। मैं कह रहा हूँ उसके अलावा। इसके अलावा हसीना जी की एक सहेली आई है। कब आई थी? सांप मारने से पहले या बाद में? सांप मारने के बाद। बस फिर आप उस पे नजर रखें, हो सकता है वो मादा सांप हो। अबे मुझे पहले ही डांट पड़ चुकी है, मरवा मत देना। मोइन भाई नजर रखें, अगर वो सांप है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कैसे? अरे मोइन भाई उनकी खाने से ज्यादा दूध पे नजर होती है, और उनकी चाल देखे चाल। रियली? ओके ओके बाय बाय बाय। हेलो जी जी, कहाँ जा रहे हैं मैं। क्या आपको वो कोई काम है? ऐसा कौन सा काम है, डर क्यों रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। आप तो अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। नहीं वो मैं। क्या वो? अरे पूरी बात क्यों नहीं करते? आप मेरी बीवी की सहेली है ना। क्या मतलब? मतलब कहीं सांप तो? हाँ हाँ सांपों पर ही तो डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ मैं, और ये बात तो आप पहले से जानते हैं। नहीं कुछ पहले से नहीं जानता था। क्या आप रोटी नहीं खाती? खाती हूँ रोटी भी, लेकिन मुझे दूध ज्यादा पसंद। पसंद है या गिजा है? दूध को आप मेरी गजा भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं दूध के बगैर नहीं रह सकती। मुझे पता है। आपको कैसे पता है? बस पता है। और मेरे बारे में क्या क्या पता है आपको? आप आंखें बहुत झपकती हैं। हाँ हाँ बचपन में मुझे बहुत गहरी चोट लगी थी, इसीलिए मेरी आंखें भी मुतासर हुई हैं उस चोट से, और इसकी वजह से मैं आंखें भी बहुत ज्यादा झपकती हूँ, ये देखिए। लेकिन जबरदस्ती तो आंखें सांप भी झपक सकता है। कहा? कुछ नहीं। मेरी बात सुने, सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी, अब हमें जल्द से जल्द जंगल के लिए निकलना। नहीं 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 अब नहीं अब नहीं। क्यों? इसे मेरी मजबूरी समझे। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी है आपकी, जब जिंदा रहना तो मजबूरी है ना। लेकिन जंगल में जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, साथ सांप हो तो हो जाती है। आप सांपों से जरा दूर ही रहिएगा। अब कैसे रह सकता हूँ? अब क्या हुआ, अब तो सांप घर वाली बात है ना। क्या मतलब? मैं आपके साथ जंगल नहीं जा सकता। तो मत जाइए, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं उस वक्त तक यहाँ हूँ जब तक मेरा काम खत्म नहीं हो जाता। कौन सा काम? वो तो आप भी जानते हैं। जी जी वो तो मैं जानता हूँ। खामोश चपरगंजू, मेरे दूध पीने का टाइम है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। हसीना जी हसीना जी हसीना जी, जी। आपको पक्का यकीन है ना कि वो आप ही की सहेली है? तो और क्या दुश्मन है? आप अपनी सहेली को फोन करें, वो वाकई आई है या कोई और आई है? मुझे मैं आपको ना पागल खाने छोड़ाऊंगा। मैं पागल नहीं हूँ हसीना जी। फिर मुझे पागल खाने छोड़ा है? सहेली का पता करने में क्या हर्ज है? जब सहेली है तो फिर पता क्या करें? तो मेरा शक कैसे दूर होगा? कौन सा शक? हसीना जी मैं आपको कैसे समझाऊं? क्या समझाना चाहते हैं मुइन? यही कि मादा सांप रूप बदल के भी आ सकती है। खुदा के लिए मुइन, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दें आप। मेरी जान मादा सांप से छूटेगी तो मैं आपकी जान छोड़ूंगा ना हसीना जी। अब अगर मादा सांप कहीं मिल गई ना
ना तो उसे कहूंगी कि आके डस ले आपको ताकि हमारी जान तो छूट जाए। अच्छा तो आप जान छुड़ाना चाहती है ना मुझसे, बुलाएं अपनी सहेली को कहे कि मुझे डस ले। मुइन हद हो गई है ये तो। और जो मेरे साथ हो रही है उसकी कोई हद नहीं है। अगर आपने हिम्मत नहीं थी तो फिर सांप को मारा क्यों? अरे तो मुझे क्या पता था कि उसकी बीवी इतना माइंड करेगी। उससे ज्यादा मैं माइंड कर रही हूँ। हसीना जी बात को समझे, मादा सांप अब तकरीबन घर में ही है। मुझे सांप समझ रहे हैं? अरे मैं आपको क्यों सांप समझूंगा हसीना जी। तो फिर कौन है घर में और आप उसके साथ गए? कहाँ? डॉक्यूमेंट्री बनाने। वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत या नियत? हसीना जी मेरा डॉक्यूमेंट्री से क्या वास्ता? ये कहें कि जंगल के सांपों से डर गए। वो तो जंगल में है ना, मैं तो घर से खौफजदा हूँ। घर से क्यों खौफजदा है? अब घर वाले नहीं समझे तो मैं क्या समझाऊं है? आपने सिर्फ एक सांप मारा है, कोई तीर नहीं चलाया है। बस अब उसका रोना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। वैसे किसी सन्यासी से ना पूछा जाए हसीना जी। तो वो क्या बताएगा? जो भी बताएगा मेरी तसल्ली हो जाएगी ना। अभी देखिए मैं आपको भी तंग कर रहा हूँ, खामखा खुद भी परेशान हो रहा हूँ। आइए चले आइए। जोगी साहब आ गए, जोगी साहब आ गए, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आ गए जोगी साहब आ गए। हैं जोगी साहब, इतनी इज्जत तो आज तक हमें किसी ने नहीं दी। जोगी भाई पहले इज्जत फिर बेइज्जती। हमने क्या बेइज्जती की? किसी आला जोगी को भाई कहना उसकी बेइज्जती है। जोगी साहब बातें छोड़िए, सांप ढूंढिए। हाँ कहाँ है सांप? हमें पता होता तो आपको बुलाते, ढूंढिए आप। हाँ ये बताइए कि सबसे पहले सांप को किसने देखा? जिंदगी में। अरे जिंदगी में नहीं, यहाँ सहेली ने। आपकी? नहीं नहीं हसीना जी की। ये तो आपने सांप देखा? जी मैंने ढाका डूबते देखा है। जी किताब का नाम है, मैंने पढ़ी है। अपनी इल्मियत मत झाड़िए, सांप ढूंढिए। पहले तहकीक तो कर लेने दें। तुम सांप पकड़े हुए यार मुजरिम। अरे भाई सांप का हुलिया जानना जरूरी है। आपने सांप का इश्तेहार छपवाना है, यहाँ पौधों में गया है सांप। अच्छा तो फिर मेरे साथ आओ, जैसे सांप आए तो पकड़ लेना। सांप को? नहीं मुझे, और झिंझोड़ कर बताना है कि ये है सांप। नहीं ये है जोगी, अब तुम्हारी खैर नहीं। आइए मेरे साथ। अरे भाई सांप तो यहाँ नहीं है। चलो शुक्र है खुदा का, मुझे लगता है चला गया। चला गया नहीं, चली गई। कौन चली गई? कोई औरत सांप लाई थी? औरत नहीं सांप, सांप मादा है फीमेल। तुम्हें कैसे पता वो मादा है भाई? इसलिए कि नर मर गया है ना। कौन सा नर? नर सांप। वो कहाँ मरा? ये बहुत तवील कहानी, फिलहाल मादा सांप को पकड़ो। भाई अगर वाकई मादा है फिर तो पर्दा करना पड़ेगा। चलो भाई आप दोनों पर्दा कर लीजिए। हम क्यों पर्दा करें? भाई पर्दा मुझे करना है। हमसे? नहीं सांप से, वो मादा है ना। तुमने सांप आप नहीं पकड़ना, बस बातें करनी है ना। सांप हो तो पकड़ूं? ओ हाँ सांप तो शुक्र है चला गया, थैंक यू जोगी साहब। वो यहाँ से गया है, घर से नहीं। क्या? जी हाँ वो लॉन से निकल के घर के अंदर चला गया है। अब क्या करें? तलाश घर के अंदर। मेरा ख्याल है वो अंदर मेरा इंतजार कर रहा होगा, मेरा मतलब है कर रही होगी। चले फिर मजीद सांप, मेरा मतलब है कहने का कि वक्त जाया ना करें, जल्दी करें। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, डॉक्टर साहब इधर आइए आ जाइए। कमाल है, घर के अंदर भी सांप नहीं है। पता करें कहाँ चला गया सांप। आप तो ऐसे फिक्र कर रही हैं जैसे सांप नहीं मियाँ चला गया हो। कैसी मनहूस बातें करें, मेरा मियाँ क्यों जाए? सांप ढूंढिए वरना वाकई में मियाँ चला जाएगा। सांप के साथ? सांप के साथ नहीं, मुश्क और काफूर के साथ। भाई तुम सांप से इतना डरे हुए क्यों? खानदानी दुश्मनी चल रही है। खानदानी दुश्मनी नहीं, सांप का खानदान मेरे पीछे चल रहा है। इतनी इज्जत करते सांप का खानदान तुम्हारी? अरे इज्जत नहीं मेरी जान के दर पे है वो। सांप का खानदान? हाँ जी। अरे सारे खानदान ने तुम्हारे खिलाफ एका क्यों कर लिया? अरे मैंने उनका बंदा, मेरा मतलब है मियाँ हुरफे आम में शौहर कहा जाता है, उसको मार दिया मैंने। सारे खानदान का शौहर? सारे खानदान का नहीं, सिर्फ मादा का सांप। जाहिर है शौहर तो मादा सांप का ही होगा। इनका ख्याल है कि अब वो मादा इनके पीछे आई। ओ तो ये बात है। क्या ऐसा होता है? यकीनन होता है। अब तेरे मियाँ की जिंदगी खतरे में है। नहीं 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 जोगी साहब प्लीज कुछ 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 करे। क्या करूं, मादा सांप से शादी कर लूं? नहीं शादी नहीं, उसे काबू करे ना। ये जख्मी मादा है, खतरनाक और इच्छाधारी बन गई है। इच्छाधारी? हाँ अब वो किसी भी रूप में आ सकती है। हाँ हाँ यही बिल्लू ने कहा था। अरे मोइन ये बिल्लू कहाँ से आ जाता है हर दफा बीच में? उसने भी यही कहा था कि सांप किसी औरत के रूप में आ सकती है या आ सकता है। क्या जाहिलों वाली बातें कर रहे हैं, क्या ऐसा होता है कहीं? लड़की जोगी के जोक को चैलेंज न कर, मेरा इलम कहता है ये मादा सांप नागन है। है नागन? और तुझे जरूर डसेगी। अबे तू यहाँ झक मार रहा, काबू करना उसे। ये इतना आसान नहीं है। आप इनकी बातों में हरगिज मत आइए। अरे सांप तो कब का चला गया होगा। कौन है ये लड़की जो बार बार जोगी के ज्ञान को डिस्टर्ब कर रही है? ये मेरी सहेली है, सांपों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही है। मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगी और पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आप जैसा झूठा इंसान कैसी बातें फैला रहा है। यानी कि तुम मेरी टुक शॉप बंद करवाओगी? कौन सी शॉप? पान सिगरेट का खोखा। आप ये काम नहीं करते हैं? मुझे तो पहले से
ही शक था कि ये आदमी बेसिकली यही काम करता है। जोगी जा रहा है बीबी, अब तू जान और तेरा मियाँ, एक मस्त और खूंखार नागिन का घर में पहरा जम चुका है। अरे कहाँ जा रहे जोगी साहब? जोगी की बहुत बेइज्जती हो गई। ऐसा ना करें, उस नागिन से भी हमारी जान छुड़ाएं। अपनी सहेली से भी पूछ लें। अरे ये हमारे घर का मामला, वो तो हमारी मेहमान है ना। अब मुझे चिल्ला काटना होगा, कोई थोड़ा बहुत खर्चा पानी मिल जाएगा? 40-50 रुपए काफी रहेंगे ना। मैंने लोकल बस नहीं पकड़नी, चिल्ला काटना है। अच्छा कितने? बस 1000-1000 के कुछ नोट। क्यों, जिंदगी से ज्यादा कीमती है? बिल्कुल, ये लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? तेरा कुछ करता हूँ मैं। ओहो हो हो हसीना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। क्या कर रही हूँ? पैसा बर्बाद। लेकिन हम तो किसी फ्रॉड स्कीम से प्लॉट नहीं ले रहे हैं। जोगी की बात कर रही हूँ हसीना। तो हम जोगी भी नहीं ले रहे, जो पैसे दे रहे हैं हम उनकी बात कर रही हूँ। वो तो नागिन भगाने के लिए आए हैं। कौन सी नागिन, कहाँ की नागिन? मुझे तो लगता है ये बंदा तुम लोगों को ठग रहा है। मोइन बेचारे रो रो के कह रहे थे कि वो मादा सांप आ गई है, मादा सांप आ गई, और मैंने यकीन नहीं किया। तो जरूरी है कि ये वही मादा सांप हो? तो जरूरी है कि ये वही ना हो। मैं तो सांपों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने आई थी, लेकिन अब लगता है कि इंसानों पर बनानी पड़ेगी। वही तो जोगी कह रहे कि वो नागिन इंसान बन सकती है। इंसान तो इंसान बने नहीं, अब सांप भी इंसान बनने लगे। मेरे लिए मोइन से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे भाई वो तो ठीक है, लेकिन अकल भी किसी चीज का नाम है। तो क्या करें? तुम्हारे यहाँ कोई तो सर्च लेबोरेटरी होगी। रिसर्च लेबोरेटरी? हाँ, वो सांप पालते हैं। पालते हैं? हाँ। क्यों? उनके जहर से इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। किस बात का? सांप के डंक के। तुम उन्हें कॉल करो, वो सांप पकड़ के ले जाएंगे। अरे इस जोगी ने तो पकड़ा नहीं, वो कैसे पकड़ेंगे? तो जोगी कैसे ढूंढेगा? वो तो कोई मंत्र वंत्र पड़ेगा ना। वो गालियाँ देगा और मिन मिन करेगा, और तुम लोग समझोगे कि मंत्र पड़ रहा है। कुछ भी हो, जब तक ये नागिन घर में, हमें चैन नहीं आएगा। मैं अब और मजीद ये तमाशा नहीं देख सकती। फिर तुम क्या करोगी? मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। तुम्हें तो मुश्किल वक्त में मेरा साथ देना चाहिए। मैं मुश्किल में तो तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, लेकिन जहालत में हरगिज नहीं। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, ये क्या हो गया इसे? मेरी बात सुनो। तो क्या पता चला? बहुत कुछ। कुछ बकेगा भी? जोगी की फिर बेइज्जती। भाई जोगी को घर जैसा माहौल नहीं दें। अच्छा अच्छा, घर से कुछ कम बेइज्जती करते हैं। बताओ तो सही, पता क्या चला है? कि वो नागिन कौन है? पता चल गया, सब पता चल गया। कहीं के शहर में बदमनी किसने फैलाई है? मैं सियासी जोगी नहीं, मैं सिर्फ शाम का पता चलाता हूँ। तो क्या पता चला? बहुत कुछ। कुछ बकेगा भी? जोगी की फिर बेइज्जती। भाई जोगी को घर जैसा माहौल नहीं दें। अच्छा अच्छा, घर से कुछ कम बेइज्जती करते हैं। बताओ तो सही, पता क्या चला है? कि वो नागिन कौन है? यकीनन कोई गैर मुल्की होगी। मेरे खिलाफ कोई गैर मुल्की साजिश हो सकती है। भाई आप ये ना कहना कि मैं जमहूरियत हूँ। अरे मैं खौफजदा हूँ, मुझे ये बताओ कि नागिन का क्या पता चला? वो इस घर में ही है। इस घर में? आपको पूरा यकीन है? हाँ बिल्कुल। फौरन घर को गिराएं। मोइन जोगी किस लिए ये पकड़ेगा? घर को नहीं, नागिन को। अब वो बच नहीं सकती। पकड़ तो लेंगे या सिर्फ डींगे मारे जा रहा है? नागिन ने इच्छा धारण कर ली है। क्या कर लिया जोगी साहब? कुछ आसान जुबान में समझाए ना। भाई नागिन ने रूप धार लिया है। जोगी का नहीं, औरत का। किस औरत का? घर की औरत का। क्या? घर में तो एक ही औरत है, हसीना जी। अब नहीं, मैं नागिन थोड़ी हूँ मोइन। सच सच बताए, सच सच बताए, मेरी बीवी कहाँ है नागिन? हसीना सच सच बताए। क्या कर रहे मोइन, मैं आपकी बीवी हूँ। एक नागिन मेरी बीवी कैसे हो सकती है? ये भी तो सोचे कि आपकी बीवी नागिन कैसे हो सकती है? हो सकती है ना जोगी साहब? नहीं। देखा, हम मुझ पर शक कर रहे थे। अगर ये औरत नागिन नहीं है तो फिर कौन है? घर में एक और औरत भी है। और औरत कौन? मेरी दोस्त की बात तो नहीं कर रहे? वो किसी की दोस्त नहीं, वो नागिन है। लेकिन अगर वो नागिन होती तो डसना लेती। वो पहले ज़ेनी अज़ियत देगी, जितनी उसने सही है। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। मियाँ चाहिए? जोगी साहब मुझे तो जिंदगी चाहिए, ने बेशक मियाँ चाहिए या नहीं चाहिए। वो इस वक्त कहाँ है? वो तो जा रही है। पकड़ो उसे, इससे पहले कि वो भाग जाए। वाकई सीना जी? हाँ चले, आप मेरी बात तो सुनिए। चले। अरे यार मैं कोई नागिन नहीं हूँ। हर नागिन यही कहती है। नागिन? आपको गलत फहमी हो रही है। हर नागिन यही कहती है। अरे यार मुझसे कसम ले लो। हर नागिन ये भी कहती है। आखिर मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? हर नागिन बस, क्या हर नागिन लगा कर रखी है? मुजरिमों वाला सलूक कर रहे हो आप लोग मुझसे। जुर्म तो तुमने भी अभी करना था। कौन से जुर्म? इसे डसने का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो वाकई में अगर तुम नागिन हो तो मेरे मियाँ को माफ कर दो, इसने गलती से तुम्हारे शौहर को मार दिया। अरे तुम्हें पता है अच्छी तरह से, मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा तो बगैर निकाह के घूम रही थी उनके साथ है? किसके साथ? वो जिसे मैंने मारा है। मेरे साथ कोई नहीं था। अब पंचायत के सामने ड्रामे कर रही हो, मेरे साथ कोई नहीं था है? ओहो मेरे खुदाया, क्या मुसीबत है। आप भी इस पागल की बातों में आ गए। खामोश,
एक आला पाए के जोगी को तुम पागल कह रही हो, इसे फौरन खत्म करना होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन तुम करोगी जरूर, मुझे मालूम है, बिल्लू ने बता दिया था। ये बिल्लू क्यों घुस के बैठा हुआ हमारी जड़ों में? नहीं नहीं हसीना जी, इस बार तो उसे बचा लिया आपके स्वाद को। देखते क्या हो, खत्म करो इसे। अरे नहीं मुझे मत मारना, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे मुइन कत्ल बढ़ जाएगा आपके ऊपर। नहीं नहीं तो मैं इंसान को थोड़ी मार रहा हूँ, ये तो नागिन है। अरे यार मैं नागिन नहीं हूँ। इसका सामान कहाँ है? ये रहा। क्या है इसमें? नकदी, जेवरात और पासपोर्ट है। कैसी चालाक नागिन है, पासपोर्ट भी है। मुझे तो ये भी शक है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करती होगी। ओ तो ये वो नागन है? नहीं नहीं वो तो जमानत पे, ये दूसरी है। इसका सारा सामान मुझे दे दो, ये जहरीला सामान है। नहीं आप इसे मारें? नहीं, तुम्हारी बीवी ठीक कहती है, तुम पर मुकदमा हो जाएगा। तो फिर कैसे, जिंदा छोड़ दें? मैं इसे किसी वीराने में ले जाकर मारूंगा। अरे नहीं नहीं, ये शख्स मुझे किडनैप कर लेगा। खोलो इसे और मेरे हवाले करो। जी बाबा जी, जी बाबा जी। राडिये, अबे मुझे कह रहे हैं? नहीं नहीं मैं तो इनको कह रहा हूँ। इसे तुमने ही तो भेजा था। नहीं मैंने तो पता नहीं कोई और भेजा था। ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ये मेरा सामान लूट के जा रहा था, मारो इसे। पकड़ो। रक्षी बेकसूर है। फराज बेकसूर है। रक्षी फराज। ऐसे मर्दों का यही इलाज है जो मोहल्ले में ताका झाकी करते हैं।